तो देखते हैं आंखों और सुनते कानों को शाहरुख का सलाम पहुंचे। और आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूं फ्रेम टूल। फ्रेम टूल हो सकता है पुराने वर्जन में ना हो, बट अगर नहीं है और आगे हो सकता है आप अपग्रेड करें वर्जन को फोटोशॉप के, तो वो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है जी। तो फ्रेम टूल का काम क्या होता है, फर्ज करें आप फाइल में आते हैं ओपन और यहाँ से लेते हैं एक इमेज। ये आप देख सकते हैं, आपने एक इमेज खोला और फाइल में आकर दोबारा ओपन करा और यहाँ से आपने एक और इमेज खोला। ये आप देख सकते हैं ग्रीन टी है, आप ग्रीन टी का ऊपर का हिस्सा जो चाह रहे हो उसका वो चाह रहे हैं ग्रीन टी से वो चाय बन जाए, कॉफ़ी बन जाए। तो फ्रेम टूल इसलिए यूज़ होता है कि आप अपने इमेज को उसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, फर्स्ट करें फ्रेम टूल है, ये फ्रेम टूल आपने लिया। फ्रेम टूल लेने के बाद यहाँ से सर्कल पर क्लिक करा और उसको आपने ड्रॉ करा इस तरीके से, शिफ्ट के साथ कर दीजिएगा ड्रॉ, ठीक है। उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट करें, पकड़ के यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा सा इसको आपने यहाँ पर एडजस्ट करा, थोड़ा सा आपने इसको यहाँ एडजस्ट करा, थोड़ा सा आपने इसको यहाँ एडजस्ट करा। विंडोज़ पा के लेयर पैनल खोल लेते हैं, चाहे तो F7 दबाएंगे तब भी लेयर पैनल खुल जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं शेप बना हुआ आ रहा है। उसके बाद आपने करना है क्या है, यहाँ से एरो लेना है, चाहे के कब उठा के यहाँ रखना है और उसको फेंक देना है इसके ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आ गया, इसको उठा के आपने मूव करा यहाँ पे और Ctrl T दबाएंगे तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं, जो ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की है, थोड़ा सा और बड़ा कर लें और मेरे ख्याल से बेहतरीन है। अब आप इंटर मारें और बाहर क्लिक करें तो आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, किसी के अब्बू नहीं बता सकते कि ये ग्रीन टी थी या कॉफ़ी थी, ठीक है। एक तरीका तो उसका ये हो गया। इसके अलावा यहाँ से हम उठाते हैं फाइल में ओपन, हमने एक फ्रेम लिया, फ्रेम यहाँ पे ओपन करा। अब यहाँ से हम दोबारा वही टूल लेते हैं फ्रेम, ठीक है जी। आपने फ्रेम पे क्लिक करा और यहाँ से आपने लिया ये वाला ऑप्शन और इसको आपने ड्रॉ करा इस तरीके से, ठीक है। थोड़े से एडजस्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, और इसको आपने थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट करा, ठीक है। अब आपने फाइल ओपन, आपने खोला इमेज, माइकल लाल जैक्सन, इनको तो आप जानते होंगे माइकल लाल जैक्सन, जो माइकल जैक्सन है हमारे, ठीक है। आपने इसको उठा के यहाँ रखा और सिंपल यहाँ पे फेंका, उसको Ctrl T करा, उसको थोड़ा सा बड़ा करके आपने एडजस्ट कर लिया और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके अंदर पेस्ट हो चुका है, ठीक है जी। तो यह है फ्रेम टूल। इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी बहुत जल्दी आने वाली, जब तक के लिए टेक केयर।